हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे फ्री फायर प्लेयर्स परेशान है कि जो फेस पेंट आए हुए हैं हमारे स्टोर में गोल्ड में, उनको किस तरीके से मिल सकते हैं। आप काफ़ी यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारे यूट्यूबर आपको फेक वीडियो बताएंगे, फेक ट्रिक बताएंगे कि इस तरीके से गोल्ड में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सच्चाई बताने वाला हूँ कि आपको गोल्ड में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का भी आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल हमारा फीमेल का बंडल होगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये फीमेल का बंडल नेक्स्ट गोल्ड रॉयल होने वाला है। इसका जो मेल वर्जन है FF टोकन एक्सचेंज स्टोर में आएगा, वहां से आप उसको फ्री में ले सकते हो। आपको सिर्फ उसके लिए FF टोकन चाहिए होंगे जहां से आप उसको एक्सचेंज कर पाओगे। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे गिफ्ट स्टोर में ड्रेको की क्रेट्स ऐड नहीं हुई है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऐड होगी या नहीं होगी तो मैं आपको जल्द से इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको फेस पेंट गोल्ड में नहीं मिल रहा, इसके अलावा आपको कैरेक्टर्स भी फ्री में मिल रहे। जितने भी कैरेक्टर्स है लगभग सभी कैरेक्टर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। सिर्फ जो कोलैबोरेशन कैरेक्टर्स है क्रोनो, आलोक और के को छोड़कर, आलोक, क्रोनो और के या कभी भी आपको फ्री में नहीं मिल सकते। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स आपको आगे चलकर और फ्री में मिलेंगे, जैसे कि जो ओथो है ये अभी नया नया आया है, थाइवा और जो दिमित्री ये भी नए नए आए हुए हैं और कोलैबोरेशन कैरेक्टर भी है, तो ये अभी इतनी जल्दी आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। एक दो अपडेट बाद ये भी फ्री में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फेस पेंट के, तो जो फेस पेंट है आपको ये फ्री में नहीं मिलने वाले, ना तो गोल्ड में मिलने वाले। ये थोड़ा घराना का कोई ग्लिच हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे जो पोस्टर है वहाँ पे गोल्ड में शो कर रहा है। लेकिन आप जब गेम को खोलोगे और जो हमारा पोस्टर शुरू में आता है वहाँ पे लिखा हुआ है कि फेस पेंट अवेलेबल इन स्टोर, मतलब कि स्टोर में अवेलेबल हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि गोल्ड में मिलेंगे। लेकिन अंदर जाके जब हम देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड में मिलेंगे। तो एक तरीका ग्लिच है। अब ग्लिच क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो जो फेस पेंट है अभी तक हमारे गेम में आया ही नहीं है। जब कोई चीज़ आई नहीं है तो इसको डायरेक्ट गोल्ड में देने से कोई फायदा नहीं है। और जो फेस पेंट है काफ़ी रेयर है और काफ़ी अच्छे अच्छे फेस पेंट इसके अंदर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गरेना भी पहले इसको गोल्ड में गोल्ड में तो नहीं बेचेगी, पहले डायमंड में बेचेगी, उसके बाद में आपको शायद बाद में कुछ दिनों बाद में गोल्ड में आ जाएगा, एक दो महीने बाद। लेकिन अभी तो पहले इसको डायमंड में बेचेगी क्योंकि उनको कमाई भी तो करनी है। अभी तक जब कोई फेसमेंट आया ही नहीं है तो उसको गोल्ड में दे के इनको इतना भारी नुकसान कितना हो जाएगा। कितने सारे फेसमेंट अगर सभी को हम गोल्ड में ले लेंगे तो गरेना का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए गोल्ड में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। गरेना जो पोस्टर इसको बहुत ही जल्दी फिक्स कर देगी। बाकी आप सोच रहे होंगे कि डायमंड को फिक्स करके गोल्ड में कर देगी, तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ठोस इन्फॉर्मेशन है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सकता हूं। किसी यूट्यूबर के कहने में बता जाना कि भाई उस यूट्यूबर ने बोला कि गोल्ड में इसको फिक्स कर देंगे। यूट्यूबर के कहने से कुछ नहीं होता, मैं भी यूट्यूबर मैं बोल रहा हूं इसको गोल्ड में फिक्स नहीं करेंगे, जो बैनर है उसको फिक्स कर देंगे, गोल्ड में नहीं मिलने वाला है। तो यूट्यूबर के कहने में बिल्कुल भी बताना, अगर कोई ठोस इन्फॉर्मेशन है तो जरूर शेयर कर सकते हो, मैं आपका कमेंट जरूर से पढ़ूंगा और जरूर से रिप्लाई दूंगा।